दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी दिल की गहराइयों से बहन श्रद्धा मदान को एक संवेदना है और देश में आगे से ऐसी घटनाएं ना हो इसकी मैं प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन ये जो मैनिपुलेट किया जाएगा कि आपको ये लव जिहाद का मैटर है और ये हिंदू मुस्लिम का मैटर है, ये शायद हो सकता है आप इसमें बिलीव भी करो, लेकिन मेरी कुछ रिसर्च ऐसी जो मैंने अपने पर्सनल बेस पे की हैं उनके बाद मैं 3-4 फैक्ट्स आपके सामने ऐसे रखने जा रहा हूँ इस वीडियो को लेकर। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, क्या पता है किसी के कभी तो कोई काम आएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। पहला फैक्ट है इसमें ट्रस्ट बॉन्ड, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, श्रद्धा और अफताब, वो दोनों एक दूसरे से वाकिफ थे, जो कि एक बहुत बड़ा एक तरीके से आपको रीजन भी देता है और आपको ट्रस्ट भी करवा देता है कि हाँ आई नो दिस पर्सन। और वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में भी रह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए। अब धीरे धीरे ये ट्रस्ट बॉन्ड तो बनता चला गया, लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब अफताब मर्डर कर देता है श्रद्धा मदान का। आती है अफताब का साइकोपैथ बिहेवियर, यानी कि अननेचुरल बिहेवियर। अब अफताब ने श्रद्धा का मर्डर 35 टुकड़ों में कर दिया, यानी कि उसकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो 35 अलग अलग जगह काट कर रख दिए, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल बिहेवियर नहीं है। और हाँ, मर्डर अगर कोई किसी इंसान को कोई मर्डर करता है तो वो हो सकता है कि वो उसे गोली में मार दे या फिर वन हिट, मतलब एक कैसी हिट में उस आदमी का मर्डर हो सकता है, लेकिन एक क्रुएल्टी मर्डर ये बिल्कुल भी नेचुरल बिहेवियर में काउंट नहीं होते। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारते हो सकता है आपके दिमाग में कोई परेशानी है, और या फिर आपके इंटेंशंस जो कि एक साइकोपैथ बिहेवियर में काउंट होती हैं एज अ साइंटिफिक रिसर्च। अब बात आती है तीसरी। अब तीसरा फैक्ट इसमें यह आता है कि अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से किसी चीज पर सेटिस्फाई ना हो और वो साइकोपैथ बिहेवियर जो उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था वो उसे उस चीज में हेल्प करे और उसका इतनी क्रुएल्टी से मर्डर कर दे। अब चौथा पॉइंट आता है ये जो वेब सीरीज, यानी कि इंस्पिरेशनल सोर्स, या आप कह सकते हो उसने अपनी स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट दी है कि मैंने इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन या फिर आप कह सकते हो कि मैंने कैसे मर्डर करना है ये चीज मैंने एक वेब सीरीज में सीखी थी। अब ये बहुत बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट है, हमारे बच्चे भी इस चीज को देखते हैं। आप सोचो कोई 18 या 20 साल का बच्चा हो सकता है, उसके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स उसमें बूम मार रहे हैं और वो किसी से प्यार करता है और कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक घटनाएं उस बच्चे के साथ हो जाएं, तो क्या वो उस अनदर पर्सन का मर्डर कर देगा? अब देख सुनने में तो बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे मर्डर हो जाएगा, लेकिन ये हुआ है। और यही अफताब ने अपनी स्टोरी में बताया कि मैंने वेब सीरीज देखकर ही मर्डर कर दिया। अब आप सोच कर देखो, मैं आप कोई भी, हमारे घरों में वेब सीरीज चलती हैं और वेब सीरीज में इतना प्लैंड तरीके से मर्डर दिखाते हैं कि एक इंसान को मार दो, एक गांव को मार दो या फिर 50 मर्डर कर दो और धीरे धीरे कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हाँ, पांचवा पॉइंट इसमें यह भी है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो कि आप बहुत शांत दिमाग से और प्लैंड तरीके से करते हो। अब आप सोच कर देखो, अफताब ने श्रद्धा को 6 महीने पहले मारा था, 6 महीने तक उसकी बॉडी नहीं मिली, कंप्लेन दर्ज हो गई कि श्रद्धा मदान मिसिंग है अपने घर से, 35 जगह उसकी बॉडी पार्ट्स को काट दिया गया और श्रद्धा मदान को वो चीज सफर करनी पड़ गई। अब एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, और इस चीज को आप एज अ अवेयरनेस भी ले सकते हो कि हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी या फिर हमारे दोस्त, हो सकता है कि बहुत लोग इन चीजों से इंस्पिरेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। हम भी जब अगर कोई वेब सीरीज देखते हैं तो अगर वो वेब सीरीज मान लो 1 महीने हमने देखी तो उसको हम सही में जीते हैं, और ये भी एक ट्रॉमेटिक सेंटर्स होते हैं, हमारा दिमाग उन चीजों को फील करता है और ये हर इंसान के साथ होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देख रहे हैं और बस बात खत्म, हम उन चीजों को फील करते हैं, लेकिन फील तक ठीक है, हम उन चीजों को अप्लाई करते हैं और अप्लाई किया अफताब ने। तो ये दोस्तों मेरे अपने फैक्ट्स थे, हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि मैं सही भी हूं, लेकिन ये चीज आपको देखनी है। और मेरी तो गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, प्लीज मॉनिटर द वेब सीरीज, जो वेब सीरीज इंडिया में लॉन्च होती हैं, जैसे आपने और
प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटरिंग पे लगाए हुआ है, प्लीज आप इनको भी मॉनिटर किया करो कि ये लोग क्या ट्राई कर रहे हैं शो करने की हमारी इंडियन उनको सिविलियंस को, कि इसकी वजह से कुछ लोग इतने ज्यादा इंस्पिरेट हो रहे हैं इन चीजों से कि वो इतने क्रुअल्टी मर्डर कर रहे हैं। और हाँ, अगर इन चीजों को रोका गया तभी ऐसे क्रुअल मर्डर आगे हो सकता है कि बंद भी हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, प्लीज इसे लाइक करें और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या क्या चीजें हैं इंडिया में जो फैलाई जा रही हैं सिर्फ फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड।